कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने सोमवार को भलोटिया मार्केट का निरीक्षण किया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी दवा व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने एवं मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करके कार्य करने की हिदायत दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने दवा विक्रेताओं से अपील किया है कि अगर कोई व्यापारी दुकान पर मास्क लगाकर नहीं आता है तो आप उसको दवा नहीं देंगे तथा कोविड-19 की जितनी भी दवा या संबंधित उपकरण है उनकी किसी भी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी दवाओं को सही कीमतों पर भी उपलब्ध कराया जाए और दुकानों के सामने लगे कार्टून एवं अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं लगाए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ड्रग इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी व भलोटिया मार्केट के पदाधिकारी एवं दवा व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे तथा सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, अगली बार कृपया किसी की कार्रवाई होगी, फिर पूरा ये जो स्पेस है पूरा ये लॉबी पूरी क्लियर रहे, नीचे भी है नीचे ऊपर ऊपर पूरा ये गैलरी खाली रहेगी, कोई खंड रखे कैसे लगा दे हो अपने दिखाइए ये पूरा क्लियर रहे, हाँ एकदम उसके आगे नहीं सर बिल्कुल। ये सब हटवा लीजिए डिब्बे पे, यहाँ पूरा रोड जो है खाली रहेगी, जो अंदर गैलरी आपकी है जो लोग बाहर अपने गत्ते रखे हैं या डिब्बे रखे हैं तत्काल अंदर कर लें, फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, पूरा गैलरी खाली रखिए। अगर आप ये गैलरी छेके रहेंगे तो फिर खुली करें दूर से, अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो तत्काल उसकी दुकान सील कर दी जाएगी और कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई, ये आप लोग समझ लीजिएगा। सामने गत्ते रखने का अगर हटवा दीजिए दुकान के अपने जो सामने रखे हैं, सब लोगों ने रखा है। काला बाजारी या ओवर रेटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से, और उसमें मास्क और सैनिटाइजर भी शामिल है। ये आपने पूरा छेद लिया भाई, या तो दुकान ही पूरा बना लीजिए आगे तक, ये क्या तरीका है? ये दुकानदार क्या रेट बेचते हैं सर? कंपनी की लेंगे तो कंपनी के बीच सर, जो की यहाँ पे मांग है डिमांड है। अगला आप कब आ रहा करते हैं? जिम्मेदारी आपकी भी है आप लोग, ठीक है ये दवा का शॉर्टेज ना होना है। योगेंद्रनाथ दुबे अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। असल में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है कोरोना में बहुत कारगर हो रही है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब इसलिए आए हैं कि कोरोना का संक्रमण क्योंकि बहुत तेज़ी से फैला है और हमारे मार्केट की जिम्मेदारी भी है कि जो कोरोना से रिलेटेड दवाएं हैं उन सारी के हम उपलब्धता कराएँ। तो जैसे फेविफ्लू है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इन समूह को लेकर कि किस स्टॉकिस्ट के पास अवेलेबल है, ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, उसको लेकर आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब अभिनव रंजन श्रीवास्तव जी, ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह जी और अपनी पूरी टीम के साथ मार्केट में घूमा है इन्होंने और ये देखा है कि कोरोना से रिलेटेड क्या क्या दवाएं हैं। तो आपको बता दें कि सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल है, मास्क अवेलेबल है, ग्लव्स अवेलेबल है, आइवरमेक्टिन, डाइथीसाइक्लिन और जो विटामिन सी की गोलियां हैं, पैरासीटामॉल है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल हैं।
सिर्फ रेमडेसिविर की शार्टेज हुई है, वो भी परसों रात से शार्टेज हुई है। आज देर रात तक संभावना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन आ जाएगी, और आ जाएगी तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होगी। और इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, चूँकि हम लोग बहुत पहले से ही सबको जागरूक कर रखे हैं कि बिना मास्क के कोई भी रिटेलर और होलसेलर किसी को दवाई नहीं देगा, और लगातार ये हम व्हाट्सएप के माध्यम से, अनाउंसिंग के माध्यम से ये कर रहे हैं कि सचेत रहना है। जैसे देश की सेवा के लिए हम लोग आए हैं, दवा व्यवसाय एक सेवा का व्यवसाय है। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने दवा विक्रेताओं को कि वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में सेवा किया जाए और हर दवा की उपलब्धता कराई जाए। तो उसी को लेकर कुछ मार्केट में, जैसे गलियाँ बहुत पतली हैं उसमें गत्ते वगैरह हैं, तो इन गत्तों को लेकर इन लोगों ने बोला है कि गत्ते साफ रखें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो शासन प्रशासन ने जो भी दिशा निर्देश दिया है उसका हम लोग पालन करेंगे। पिछले कोरोना काल में सपोर्ट किए थे और इस भी कोरोना काल में पूर्ण रूप से हम सपोर्ट करेंगे। देखिए, यहाँ का जो भलौटिया मार्केट गोरखपुर का है, ये दवाओं की थोक मंडी है जहाँ से दवाएँ सिर्फ गोरखपुर शहर में नहीं, आसपास के शहरों में भी और आसपास के स्टेट्स में भी जाती हैं। तो यहाँ पे व्यापारियों को जागरूक इससे पहले मीटिंग में किया गया था, आज उसी के क्रम में निरीक्षण किया गया है कि इनके द्वारा कोरोना गाइडलाइंस कितना पालन किया जा रहा है, हर दुकान में मास्क सैनिटाइज़र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें चेक की गई हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंटली कि जो इस समय कोरोना की सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसके अलावा जो दवाएं हैं जैसे फेविफ्लू है और अन्य दवाएं हैं, उसकी क्या कंडीशन है। तो हमने व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है कि अगर कहीं भी कोई समस्या आ रही है दवाओं के आवागमन में, किसी भी एंड से अगर दिक्कत है, तो आप बताएँ, तत्काल ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू कार्रवाई कराई जाएगी और दवाओं की शॉर्टेज नहीं होने दी जाएगी। और एक सख्त हिदायत व्यापारियों को ये दी गई है कि अगर किसी ने भी किसी तरह से होल्डिंग की, अगर कोई सामान अपने पास जमा कर रखा जिसके कारण उसका रेट बढ़ता है या उसकी डिमांड निकाय बढ़ती है और उसको अपने पास छुपा के रखेंगे, और ये तथ्य का संज्ञान में आता है कि किसी ने भी इस तरह का काम किया है या कालाबाजारी की है या ओवर रेटिंग की है, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना की गाइडलाइंस और कोरोना की जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स और दवाएँ हैं उसके क्रम में आज व्यापारियों को जागरूकता फैलाई गई है, और आगे भी इस तरह की छापेमारी चलती रहेगी। और अभी तक ड्रग एसोसिएशन का यहाँ के और स्थानीय जो यहाँ के दवा व्यापारी हैं उनका सहयोग मिला है। हमारी कई टीमें इस काम के लिए आज से लगी हुई हैं और हमारे ACMs की टीम भी लगी हुई है, और सभी हम लोग लगातार औचक छापेमारी निरीक्षण करते रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे किसी प्रकार से कोई भी शॉर्टेज दवाओं की ना हो। देखिए, यहाँ पे एक गलत टेंडेंसी ये है व्यापारियों की, यहाँ कटरे बहुत पतले पतले हैं और उसमें ये अपने जो दवाओं के जो कंसाइनमेंट आते हैं उसके बॉक्सेस जो बाहरी रखते हैं, जिस कारण गैलरी में अत्यधिक भीड़ हो जाती है, लोगों को जाने का रास्ता आवागमन में दिक्कत होती है। तो उनको इसके लिए सख्त निर्देश दिया गया कि आप पूरी तरह से गैलरी खाली रखेंगे, अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक है तो आपको अपने गोदाम में रखिए, जब जरूरत हो तो मंगाइए। तो इस क्रम में दिया गया, आज इनको हिदायत दी गई है, अगर अगले निरीक्षण में ये सब चीज़ें सही नहीं पाई जाएंगी तो तत्काल दुकान के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सभी यहाँ के एसोसिएशन से बात हुई है, दवा एसोसिएशन के लोगों से बात हुई है, ये उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो ऐसे लोगों को दवाएं नहीं देंगे जो मास्क सैनिटाइज़र उपयोग नहीं करेंगे, उनको वार्न करेंगे और अपनी तरफ से मास्क सैनिटाइज़र देंगे, और उनके जब वो मास्क सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तभी उनको दवाएं देंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे लेबर्स आते हैं जो ठेलों से दवाएं उतारते हैं और ये करते हैं, उनके साथ इनको खास इनको हिदायत बरतनी है और कई चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो अक्सर मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, गमछे लगाए रहते हैं, तो उनके साथ भी इनको अटेंटिव रहना होगा। तो ये सब चीज़ें उनको बताई गई हैं और सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जा रही है, जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की उतनी जिम्मेदारी यहाँ के व्यापारियों की है और यहाँ पे जो लोग दवाएं बेच रहे हैं उनकी भी है। तो सबकी जिम्मेदारी तय की गई है और अगले निरीक्षण में सब चीज़ें देखी जाएंगी, अगर कहीं भी चूक मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।